प्लेयर्स की तो अक्षर पटेल, नो डाउट यार, इस बंदे ने मेरा कल दिल जीता जिस किस्म की इसने बल्लेबाजी की है, क्योंकि डे बाय डे मैं देख रहा हूँ उसकी बॉलिंग नहीं बैटिंग इंप्रूव हो रही है, और बैटिंग बहुत जबरदस्त हो रही है ने वाली है, क्योंकि पहले तो बड़ा रिलैक्स थे श्रीलंकन बॉलर्स, लेकिन जब अक्षर पटेल ने एक ही ओवर में अश्रंगा को धोया ना, एक ही ओवर में 3 छक्के लगा दिए, 3 बॉलों में 3 छक्के, फिर उसी ओवर में जो है वो स्काई ने भी 1 छक्का लगा दिया, तो अश्रंगा का वो जो ओवर है ऐसा लगा कि ये ओवर मैच चेंजिंग ओवर होगा इंडिया के लिए। कि मैं आपको बार बार एक बात कहता हूं कि अक्षर पटेल इंटरनेशनल क्रिकेट में अपनी बैटिंग से तंग कर सकता है दुनिया को। 10वां ओवर चल रहा था 57 for 5, जब 5वीं विकेट गिरी है उसके बाद ऐसा लग रहा था कि लोग अपना डेफिसिट या गिने, बट व्हाट अ मैच सवेरा, क्या क्या फाइट बैक डाली है अक्षर पटेल और सूर्य कुमार यादव से। पैसा वसूली वाला मैच था, एक टाइम पर इंडिया की नैया डुबो चुकी थी, लेकिन उसके बाद जो अक्षर पटेल ने हर्षा रंगा के साथ किया, ओए होए होए होए, और फिर जो सूर्य कुमार यादव ने बल्ला चलाया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल क्रिकेट कारनामा में। दोस्तों, भारत और श्रीलंका के बीच खेले गए दूसरे T20 मैच में श्रीलंका ने भारत को 16 रन से हरा दिया। इस मैच में अक्षर पटेल और सूर्य कुमार यादव ने अच्छी फाइट बैक दी और सूर्य कुमार यादव और अक्षर पटेल ने सबका दिल जीत लिया। इस मैच के बारे में पाकिस्तानी मीडिया के क्या रिएक्शन है, सीधे चलते हैं वीडियो की ओर। लेकिन इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाएं सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। प्लेयर्स की तो अक्षर पटेल, नो डाउट यार, इस बंदे ने मेरा कल दिल जीता जिस किस्म की इसने बल्लेबाजी की है, क्योंकि डे बाय डे मैं देख रहा हूँ उसकी बॉलिंग नहीं बैटिंग इंप्रूव हो रही है, और बैटिंग बहुत जबरदस्त हो रही है कि बाकी बल्लेबाजों को इससे कहता है ना प्रेशर में डाल रहा है, क्योंकि जब रविंद्र जडेजा टीम से बाहर हुए थे तो बड़ा क्रिटिसिज्म किया जा रहा था अक्षर पटेल पे कि ये रविंद्र जडेजा की जगह नहीं ले सकता, क्योंकि ये वो बॉलर तो अच्छा है लेकिन बल्लेबाज अच्छा नहीं है। जडेजा बहुत जबरदस्त किस्म का हिटर था, जडेजा कुछ भी कर सकता था, लेकिन अक्षर पटेल मैं समझता हूँ कि बार बार ये साबित कर रहा है कि वो प्लेयर भी अच्छा है, वो बड़ा कुछ कर सकता है। मुझे तो पर्सनली फीलिंग आ रही है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ऋषभ पंत जब IPL नहीं खेलेंगे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अक्षर पटेल जिसको कहते हैं कैप्टनसी करने वाले दिल्ली का कैप्टन बना दिया जाएगा, क्योंकि जिस किस्म की ये फॉर्म में चल रहे कुछ भी कर सकते हैं। तो कि मैं आपको बार बार एक बात कहता हूं कि अक्षर पटेल इंटरनेशनल क्रिकेट में अपनी बैटिंग से तंग कर सकता है दुनिया को। उसके लिए मैं आपको अक्षर पटेल की एक और क्वालिटी बताता हूँ, अभी वी नहीं, हर शॉट के लिए एक आइडियल पोजिशन होती है, वो हर शॉट के लिए अपने आप को वी में तैयार रखता है, अगर वो फ्लाइट में भी बीट हो जाता है तो वो ऐसे ही मारता है, उस बॉल को वो ड्रैग नहीं करता इस तरफ, ऐसे बल्ला नहीं होता उसका, यानी वो हर शॉट को ही वी में मारता है भाई, हर शॉट को वी में मारता है। और मैं आज एक और बात बता दूं बहुत सारे लोगों की, ये तो नहीं कहूंगा घंटा बजा दिया, नहीं वजह, इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ T20 में इसको प्रमोट किया अक्षर पटेल को, ये रनआउट हो गया, इसका कसूर था रनआउट होना, उसके बाद पूरा वर्ल्ड कप गुजर गया, अगर जडेजा होता मैं सेमीफाइनल में पंत या अक्षर पटेल मतलब डिमांड कर रहा था कि ऊपर भेज दो एक लेफ्ट हैंडर आदिल रशीद को टैकल करने, इसकी जिस तरह से इसका बैट आता है ना, अगर ये होता या आदिल रशीद को बर्बाद कर देता वहां, अब वही बात है लोग बोलेंगे इंडिया हार गया यार अब छोड़ो, भाई छोड़ो नहीं, मसला इस पर बैटिंग पर इतना भरोसा क्यों नहीं है, वेस्ट इंडीज में 67 करके ODI जिताया, परसों इसकी इसकी बैटिंग आपको आगे लेके गई, मैंने कहा देने दो यार दीपक हुड्डा को मैन ऑफ द मैच, कोई बात नहीं वो खास बच्चा है। आप सीधे अबे भाई एक आदमी जिता रहा है, अच्छा एक और बात, फिर आप गलत कंपैरिजन तो हो ही नहीं सकता क्रिकेट के बाप से किसी का, क्रिकेट के बाप से मॉडर्न डे क्रिकेट जो आप कहते हैं क्रिकेट के अब्बू फिनिशर है, सूर्या कुमार आज विराट बन रहे थे, उन्होंने पूरी कोशिश की विराट भाई से जो सीखा है कि खड़े रहो काम रहो बाद में फेंट दो, तो भाई ना तो यहाँ हरीश रऊफ ने आना था और ना आप वो थे, अच्छा मिस कैलकुलेशन हुई सूर्या से, मैं आउट की बात नहीं करता, 4 छक्के 26 रन का आखिरी ओवर वनिंदु असरंगा का लूटने वाली है, क्योंकि पहले तो बड़ा रिलैक्स थे श्रीलंकन बॉलर्स, लेकिन जब अक्षर पटेल ने एक ही ओवर में अश्रंगा को धोया ना, एक ही ओवर में 3 छक्के लगा दिए, 3 बॉलों में 3 छक्के, फिर उसी ओवर में जो है वो स्काई ने भी 1 छक्का लगा दिया, तो अश्रंगा का वो जो ओवर है ऐसा लगा कि ये ओवर मैच चेंजिंग ओवर होगा इंडिया के लिए, और तब जो है वो जो श्रीलंकन बॉलर्स हैं उनके हाथ पांव भी फूलते हुए नजर आए अक्षर पटेल, उसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी जो है वो कम है, वो जो है वो आ रहे हुए लश्कर का जीता हुआ सिपाही है भाई, वो कमाल की उसने बैटिंग की है,
और जबरदस्त बैटिंग किया है। मैच तो श्रीलंका जीत गया लेकिन दिल जो है वो अक्षर पटेल ने जीते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और कमाल की उसने हिटिंग किया भाई साहब, एक मोमेंट के लिए ऐसा लगा कि ये मैच जो है वो इंडिया की टीम जीतने वाली है, क्योंकि बहुत कमाल। अगर वहां पर स्काई ना आउट होते, वो मेरे ख्याल से टर्निंग पॉइंट था इस पार्टनरशिप में। जब स्काई आउट हो गया तो इस मैच में फिर ऐसा लगा कि कुछ बचा नहीं हुआ है। ठीक, दसवां ओवर चल रहा था 57 for 5, जब पांचवी विकेट गिरी है उसके बाद ऐसा लग रहा था कि लोग अपने डेफिसिट या गिने, बट व्हाट अ मैच सवेरा, क्या फाइट बैक डाली अक्षर पटेल और सूर्या कुमार यादव से। मतलब जिस तरह पिछले मैच में हम देख रहे थे श्रीलंका ने आखिर में डेथ में बड़ी फाइट दी, आखिर में वही फर्क बना, 7 नो बॉल्स जो एक्स्ट्रा हुई उसकी बॉल, 7 एक्स्ट्रा डिलीवरीज और उस पे खाए हुए 14 रन। 17th ओवर पे श्रीलंका वाज 147 एंड इंडिया वाज 157, आखिर में वही इवेंचुअल फर्क पड़ा और कोई फर्क नहीं पड़ा। एंड आई बिलीव ये बड़ी जबरदस्त फाइट बैक वाली हार है, इसको भी लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन देखो मैच कमाल धमाल था, पोटेंट पैसा वसूली वाला मैच था, एक टाइम पर इंडिया की नैया डुबो चुकी थी, लेकिन उसके बाद जो अक्षर पटेल ने हर्षा रंगा के साथ किया, ओए होए होए होए, और फिर जो सूर्या कुमार यादव ने बल्ला चलाया और फिर शिवम मावी ने, 2-3 जगह गलती भी हुई है वहां पे, इवन हार्दिक पांड्या एंड कोच जो बैठे हैं तुमने मैसेज भी भिजवाया था कि हसरंगा का आखिरी ओवर पड़ा हुआ है, लेकिन वहां पे शराका हमेशा से ये चीटिंग कर लेते हैं कि वो ओवर नहीं देते हसरंगा को और खुद आ जाते हैं और स्लोर बाउंसर मारना शुरू हो जाते हैं, और आज भी ऐसे ही लेकिन उससे पहले अगर आप देखो हसरंगा को जो 3 for 3 छक्के मारे थे आपके ये जो है अक्षर पटेल ने, वहां पर भी इन्होंने गैप ब्रेक ले लिया, देखा था आपने, नहीं वो बड़ी चीटिंग है, वो चीटिंग है, वो आपको जो है ना इस तरह से ब्रेक लेना जो है, खैर ये तो टैक्टिस होती है जो दूसरे टीम से हमारे नहीं ले पाते, लेकिन वही टैक्टिस थी, वहीं से उसको लगा कि यार अक्षर पटेल ने मुझे 6 छक्के ही ना मार दे तो थोड़ी देर के लिए शनाका ने मैच ही रुकवा दिया, कोई लेट गया, पानी शानी आ गया और सारा मोमेंटम जो अक्षर पटेल का वहां। लेकिन अली इंडियन टीम ने ये आज बताया आपको, आप मानो या ना मानो, उन्होंने बताया भाई अगर विकेट गिर रही हो ना 4 भी आउट हो जाए 5 भी आउट हो जाए तो ऐसे क्रिकेट होता है, खिलाड़ी आउट हो गए तो उसके बाद टुक टुक करके मैच पूरा करें। मुझे याद है एक मैच आपका भी हो रहा था जिसमें शान मसूद जो है वो खेल रहे थे, पूरा मैच खत्म हो गया और 100 रन से हम मैच हारे। भाई सवाल उससे पहले सूर्या कुमार यादव ने बड़ा स्टेडी और अक्षर पटेल के साथ, अक्षर पटेल ने बड़े प्लेयर्स के शूज के अंदर पैर रखा है, रविंद्र जडेजा, जी हाँ रविंद्र जडेजा के शूज के अंदर पैर रखा इतना आसान नहीं था, लेकिन अक्षर पटेल ने शो किया, जैसे आज उसने बैटिंग करी है, अपना 6 छक्के मारे हैं, 50 रन किए और मतलब के आउटस्टैंडिंग वे ऑफ क्रिकेट हुई है, नो डाउट मैच इंजॉय किया, जो पब्लिक बैठी हुई थी ग्राउंड के अंदर स्पेक्टेटर्स थे उन्होंने भी एक एक बॉल का एंजॉय किया। एक टाइम पर लग रहा था कि जो है इंडिया ये मैच जीत जाएगी, जिस तरीके से सूर्य कुमार यादव का बल्ला चलना शुरू हुआ अक्षर पटेल के साथ, उनके थोड़ा सी फंसे हुए थे, आज फिर जब इंडिया की सूर्य कुमार यादव बैटिंग करने आया वो थोड़ा स्टेडी थे, वो थोड़ा संभल के खेल रहे थे, क्योंकि बॉल इतने अच्छे एरियाज में बॉलिंग कर रही थी श्रीलंका की टीम।